हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलाइंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, कई सोल्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली ट्विन सोल्स की, कि इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद, यानी 3D के भी वर्क करने हैं, 3D में भी बैलेंस पाना है, 5D के भी वर्क करने हैं, 5D में भी बैलेंस पाना है, तो कैसे सारी चीज़ों को मेनटेन किया जाए। और एक चीज़ हो रहा है कि कैसे पूरा दिन एनर्जाइज रहा जाए, पूरा एनर्जेटिक जो व्यक्ति रहता है। तो बड़ा ध्यान दीजिए कि पूरा दिन एनर्जेटिक रहने के लिए एज सच आपको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपका खुद की हेल्थ का अच्छा होना, सबसे पहला, और दूसरा मेडिटेशन। बस ये दो चीज़ काफ़ी है आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखने के लिए। आप जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से मेडिटेशन करते हो, अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छा काम करते हो, उतना पूरा एनर्जेटिक रहते हो। जो व्यक्ति ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाता है डियर, उसका जो रेस्टिंग पॉइंट होता है, रेस्टिंग मोड होता है ना, उसका हर काम में वो रेस्ट कर सकता है, हर चीज़ में वो रेस्ट कर सकता है। उसको रेस्ट करने के लिए एज सच उसको बेड पर लेट करके ही या सो करके ही आराम की ज़रूरत नहीं होती। उसके हर काम में उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट, वो पैशन के साथ में करता है। बड़ा ध्यान दीजिए कि अगर अभी आपके साथ में ये हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो कम होगा। आप 4-5 घंटों में पूरा नींद निकाल लोगे और फिर आप 18 घंटे आप वर्किंग रह सकते हो। इससे ज़्यादा भी कुछ सोल्स वर्किंग होती हैं, ठीक है। तो क्लियर कर देती हूँ कि ज़्यादा अच्छे ढंग से जब आपको इस लेवल पर चीज़ों को मेनटेन करना होता है, तो टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपनी 3D की चीज़ों को बहुत बैलेंस रखना चाहते हैं तो उस समय पर आप अपने 3D के जितने सारे वर्क हैं इनका टाइम फिक्स रखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ 6 बजे आप ये काम करोगे तो आप 6 बजे ये काम करोगे, 5 बजे ये काम करोगे, 5-6 बजे ये काम करोगे। ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे, पर ऐसा है। इतने से इतने घंटे फिक्स कर लीजिए कि 4 से 5 घंटे मुझे ये काम करने हैं 3D के, और बाकी के पेंडिंग जो वर्क है इसमें मैंने कुछ अपने लिए चीज़ें डन करनी है या कुछ स्पिरिचुअल टास्क करना है, ठीक है। ऐसा आप फिक्स कर लीजिए। अच्छा, मॉर्निंग का वक्त जो कि सबसे प्रीशियस होता है एक सोल को इवॉल्व होने के लिए, मॉर्निंग का टाइम खुद को दीजिए। यहाँ पर कोई 3D का वर्क नहीं, किसी की कोई और दूसरी चीज़ें नहीं, ठीक है। खुद के लिए आपकी सोल जो कि डिवाइन का अंश है, इस समय पर ये अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनसे मीटिंग का टाइम होता है। दैट मीन्स जिनको हम कहते हैं स्पिरिट गाइड्स, एंजल, असेंडेंट मास्टर्स, इनके जो चहीती सोल्स होती हैं ना, वो इस समय पर, ठीक है, देवदूत वाली जो एनर्जीज होती है ना, एंजल आर्कएंजल वाली एनर्जीज, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय पीक पर होती। पीक पर होने के नाते इनका स्पेसिफिक कनेक्शन हमारी सोल जो कि डिवाइन का अंश है, ठीक है, तो डिवाइन के अंश का कनेक्शन इस समय पर इन सोल्स से होता है। और ये सोल्स ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करती है, ज़्यादा हायर वाइब्रेशन देती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।